क्राइस्ट और मैं लंकेश और आप देख रहे हैं बैंड। और आज हम लाचेन की साइट सीइंग कर रहे हैं, मतलब बहुत कम लोग ऐसा दिखाते हैं, बहुत ज्यादा ही कम लोग ऐसा दिखाते हैं कि लाचेन को विजिट कर रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ सिर्फ गुरुडोंगमार लेक विजिट करने आते हैं। मैं भी बहुत सारे रिसर्च किया था लेकिन लाचेन पे किसी ने वीडियो नहीं बनाया था, बट हेयर वी आर और हम लोग बनाएंगे आज लाचेन पे पूरा वीडियो। और बेसिकली लाचेन में एक मोनेस्ट्री है, सो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। काफ़ी हालत ख़राब है, 10 कदम ही चले हैं और आप गए और अंकित चुंगम खा रहा है, उसका तो और हालत ख़राब होगा क्योंकि चुंगम खाने में और मेहनत लगता है। सो बेसिकली ये है रास्ता, ये इधर से ऊपर जाने को। और भाई आप मेरे पीछे नज़ारे देखो, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। अंकित खड़ा हो गया नज़ारा देखने क्योंकि उसको दिख चुका है। लुक एट द व्यू भाई, नज़ारे ही नज़ारे। अंकित उस नज़ारे और अंकित को नज़ारा बहुत पसंद आ गया, समझ चुके हैं। आप खुद देख लो, मतलब इधर पहाड़ और बीच में ये पहाड़, ये वाला ये जो आपको दिख रहा है, और ये बादल। डूड दिस इज क्रेजी। बहुत देर से हम लोग निकल नहीं रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग को ठंड लग रही थी, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग निकले। और निकलते के साथ क्या व्यू है। सो बेसिकली आज हम लोग लाचेन में ही रुक रहे हैं। आज का डेट है समथिंग अबाउट, डेट मेरे को याद नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग बहुत दिन से घूम रहे हैं। और हम लोग कल गुरुडोंगमार विजिट करके आए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो आज हम लोगों ने सोचा लाचेन में ही रुकते हैं। और हमारा लाचुंग का भी प्लान था बट शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता और हमारा ये पहला राइड था, तो इसलिए हम लोग लाचुंग नहीं कर रहे हैं। और मेरी दाढ़ी को इग्नोर करिएगा, हेलमेट पहन पहन के इसका हालत ख़राब हो गया है। बट जो व्यू है हम दिखाते हैं आपको सिनेमेटिक्स, आप छोड़िए हमारे नज़र से आपको नहीं दिखेगा, हम आपको सिनेमेटिक्स दिखाते हैं इस व्यू के। 2 मिनट दो। स्वागत है आपका बीस्ट के गोले की दुकान पे। क्या खाइएगा आप ये बताइए। फ्रेश बर्फ और हम आपको खिलाएगा एक बढ़िया गोला, ये देख रहे हो ऐसे लकड़ी डाल के एकदम बढ़िया गोला चुस्की बनाने का, खाली इसमें कमी है जूस का। जो जूस का आइए थोड़ा क्लोजली देखते हैं। नहीं तो आप एकदम फ्रेश खा सकते हैं, काला खट्टा डालिए चाहे इसमें मैंगो मसाला डालिए, मजा ही आ जाना है गाइस। फ्रेश गोला चुस्की बीस्ट के दुकान की, बीस्ट की टपरी में फ्रेश गोला चुस्की। और आप आइए मजे लीजिए, इंजॉय करिए और भाई बड़ा गोला चुस्का बनाइए और इनाम पाइए, और इनाम पाइए। और भाई इतना बड़ा गोला चुस्की आपको रांची में कोई नहीं खिलाएगा गाइस, जितना बड़ा गोला चुस्की हम आपको अपने रांची नहीं पूरे भारत में, पूरे भारत अरे अभी हमको बड़ा गोला चुस्की खिलाएगा। हाथ मेरा ठंडा हो गया है लेकिन हम आपके लिए हर अरे इतना बड़ा गोला चुस्की उठा नहीं पा रहा है गाइस ये लकड़ी, लेकिन आप अगर इतना बड़ा गोला चुस्की खाएगा काला खट्टा वाला तो आपको मजा आ जाएगा, मिट्टा हो जाएगा। हम थोड़ा और बना के दिखाता लेकिन हमारा हाथ पूरा ठंडा हो गया है, आप नहीं सकेगा, हमको अपना हाथ गिलास में डालना। लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स बहुत मजा आ रहा है, अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट विजिट करते हैं तो यहाँ एक दिन आप स्टे करिए, लाचेन में स्टे करिए, लाचुंग में स्टे करिए, कहीं स्टे करिए, क्योंकि जितने भी लोकल्स हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव और दिल के सबसे अच्छे हैं, ठीक है। मतलब आप विजिट करो आप एक बार, आपको खुद समझ में आएगा। मेरे को भी ऐसा लगता था वीडियोज़ देख देखे कि अरे क्या क्या क्या, बट यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ सफल हो गया। आज का दिन बहुत कुछ खास नहीं रहा, सुबह हम लोग उठे 11-12 बजे के आसपास और बेसिकली ऐसा सीन था कि काफ़ी ठंड, हेलो, तो बेसिकली ऐसा सीन था कि काफ़ी ठंड थी यहाँ, सो रजाई से हमें निकलने का दिल नहीं कर रहा था। सो हम लोग करीबन 1 बजे के आसपास निकले और
एक नहीं डेढ़ बजे के आसपास निकले, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर एक डेढ़ बजे के आसपास भी माइनस में, तो अगर आप आइएगा तो पूरी तैयारी के साथ आइएगा, क्योंकि हम लोगों ने आधी तैयारी की है और ठंड से हमारी हालत ख़राब है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप ठंड के मौसम में आ रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करके आएँ। और हम आपको रीज़न बताते हैं जो हम लाचेन में रुके हैं, क्योंकि वेदर फोरकास्ट हमें दिखा रहा था कि लाचेन में आज स्नोफॉल है और मौसम हो रखा है कुछ वैसा, तुम काट लेना, मौसम हो रखा है कुछ वैसा अभी कि स्नोफॉल हो, लेकिन ऐसा एक बजे दिखाया था लेकिन हो नहीं पा रहा अभी तक। और लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा, थक जा रहे हम क्योंकि लाचेन 8,500 फीट पे सी लेवल से, तो आप यहाँ जल्दी थक जाएंगे क्योंकि थोड़ी सी ऑक्सीजन कम होती है जितने हाई ऑल्टीट्यूड पे पाओगे। लेकिन भाई जो मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और शायद हम उसी पहुँच चुके हैं आफ्टर सो कॉल्ड मेहनत। कम मेहनत लगा, दिख रहा था दूर लेकिन रास्ते से करीब पहुंच गए। ये रहा वो मॉनेस्ट्री, दिस इज द मॉनेस्ट्री, ले चलता है आपको सीधा अंदर। हेलो भंडार मी, क्या हाल चाल? तो ऐसा कि हम लोग मॉनेस्ट्री विजिट किए और बीच में हम लोग रुके हैं एक जगह, ओ गॉड, तो बीच में हम लोग रुके एक जगह जहाँ पे कॉफ़ी मिल रही थी। तो बेसिकली यहाँ पे एक छोटा बच्चा है एंड ही सो क्यूट, हिज नेम इज सोनम, से हाय, से हेलो टू एवरीवन। गाइस सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला और अभी बोल रहा हूँ, पीपल आर वेरी नाइस हियर, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, आप आओ यहाँ विजिट करो और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। लुक एट हिम, वो कितना एंथुसियास्ट है उस चीज़ में हमारे चैनल को लेके। और दी यहाँ पे हमें कॉफ़ी पिला रही, दी हेलो, दी एक बार हेलो बोल दो, आपका क्या नाम हुआ? पालमो, ओके, सो दी का नाम पालमो। हम लोग रुके थे मॉनेस्ट्री, आए थे तो हम लोग यहाँ पे बस रुके कॉफ़ी पीने के लिए और हम लोग इस किड को देख के रुके। ही वाज सो क्यूट, ही वाज ड्राइविंग अ कार, एक छोटा सा कार था इसके पास, हम आपको बाहर में दिखाएंगे, और ये डर के अंदर चला गया। फिर हम लोग सोचे कॉफ़ी के लिए पूछ लें तो कॉफ़ी अवेलेबल थी, तो हम लोग अंदर आए और बेसिकली हम लोग बोल तो प्रमोशन तो हम लोग हर जगह कर देते थे, हम लोग यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं एंड लुक एट हिम, अंकित अपना प्रमोशन कर रहा है और वो अपने यूट्यूब पे खोज रहा है। सो बेसिकली अगर वो ये देखेगा तो वो बहुत खुश होगा। सो अगर आप लोग कोई भी आते हो तो प्लीज़ आप आओ और यहाँ के लोगों को सपोर्ट करो, आप आओ यहाँ पे खाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत है, ऐसा नहीं है, बहुत इजी नहीं है आना भाई, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो आपको मानना पड़ेगा इन लोगों को, हैट्स ऑफ है जो माइनस टेम्परेचर में ये लोग रहते हैं। और चलो ठीक है, हम लोग जैसे लोग या दी जैसे लोग तो फिर भी रह लेंगे। लुक एट दिस किड, ये सुबह से शाम तक माइनस के टेम्परेचर में रहता है। सो बेसिकली आपको यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है,